हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हम पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और इसमें हमने गंगटिक सिस्टम ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 17 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यानी 18 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आर नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा के इनमें से कौन से जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये हमें बताना है। पहला है यमुना, घाघरा, गोमती एंड भागीरथी। तो इसमें जो भागीरथी है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिल के बनाते हैं गंगा की स्ट्रीम को। यमुना जो है इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सोन भी आपके इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जबकि घाघरा और गोमती जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसके, गंगा के। तो देख लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इट इज़ वन ऑफ द, भागीरथी क्या है, वन ऑफ द टू हेड स्ट्रीम है गंगा की, और ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सोर्स स्ट्रीम ऑफ द गंगेस। देवप्रयाग में क्या होता है, भरे जो भागीरथी होती है वो अलकनंदा से मीट करके बनाती है किसका, गंगा का फॉर्मेशन करती है। यमुना है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसके, गंगा के, ठीक है। और गोमती, घाघरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, द अदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर गंडक, कोशी, महानंदा, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसकी, गंगा की। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड 19th नंबर क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द गंगा रिवर बेसिन इन इंडिया। गंगा रिवर बेसिन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। सेकेंड है, गंगा रिवर फ्लोज थ्रू ओनली 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड थर्ड इज, गंगा राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर वेयर इट इज नोन एज भागी रहती है। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट तो हमें पता ही है कि रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया में गंगा की लार्जेस्ट रिवर बेसिन देखने को मिलती है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि गंगा जो है ओनली 7 स्टेट से पास करती है, ये भी रॉन्ग है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट, गंगा राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर वेयर इट इज नोन एज भागीरथी। बिल्कुल सही बात है कि भागीरथी में भागीरथी कहा जाता है गंगा को, कहाँ पे, जब वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर जैसे ही वो अलकनंदा से मीट करती है देवप्रयाग में, तो उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है, द गंगा राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर्स नियर गौमुख इन द नियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जहाँ पे इसको भागीरथी कहा जाता है। गंगा रिवर जो है वो लेंथ जो इसका है इंडिया में वो कितना है, 2525 किलोमीटर, और कवर करता है ये 8.6 लाख किलोमीटर एरिया को, इसीलिए ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इन टर्म्स ऑफ एरिया। गंगा रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो ये 7 स्टेट से नहीं पास करती है, ये कितने स्टेट से, हम यहाँ पे गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, ना कि गंगा रिवर बेसिन की बात करें। तो गंगा रिवर की अगर हम बात करें तो वो पास कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से निकल कर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड से फ्लो करती है, और वेस्ट बंगाल से होते हुए वे कहाँ पर फ्लो करती है, ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द रिवर यमुना। यमुना के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो देख लेते हैं। इट राइजेस नियर कैलाश मानसरोवर लेक नियर तिब्बत। चंबल, सिंध, बेतवा आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। यमुना इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। यमुना बेसिन इज लार्जर देन द बेसिन ऑफ चंबल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द यमुना रिवर। पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें कि इट राइजेस नियर द कैलाश मानसरोवर लेक नियर तिब्बत, नहीं, एक चीज ध्यान में रखें कि यमुना जो है वो किसके ट्रिब्यूटरी, गंगा के, और इसका ओरिजिन सोर्स जो है वो ओरिजिन जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, यमुनोत्री है, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी
उत्तराखंड में, तो पहला हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड अगर हम देखें तो चंबल सिंध बेतवा आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, नहीं दे आर नॉट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये चंबल जो है अगर हम देखें चंबल सिंध बेतवा ये सब ट्रिब्यूटरी हैं किसके, ये सब ट्रिब्यूटरी हैं आपकी यमुना रिवर की, और इसमें चंबल जो है ये क्या है, ये चंबल सिंध बेतवा ये सब है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ना कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ध्यान रखेंगे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या अंतर है, तो जो भी रिवर लेफ्ट साइड से आकर मिलती है मेन रिवर को उसको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और जो रिवर राइट साइड से आकर मिलती है तो उसको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज यमुना इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, नहीं सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अभी हमने जस्ट देखा कि ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज यमुना बेसिन इज लार्जर देन द बेसिन ऑफ द चंबल, बिल्कुल सही बात है, जो चंबल है वो खुद ही ट्रिब्यूटरी है किसके, यमुना के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में, तो यमुना बेसिन इज लार्जर देन द चंबल बेसिन, चंबल जो है वो खुद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और चंबल के अलावा कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक, तो सिंध बेतवा केन ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी, यमुना की। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये बंदरपुच रेंज से निकलती है। एग्जाम में पूछा गया है कि यमुना का ओरिजिन सोर्स क्या है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट टाइप और मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, तो यमुना जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसके, रिवर गंगा के। 21st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21st नंबर क्वेश्चन इज चंबल रिवर ओरिजिनेट इन द मालवा प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। सेकेंड है चंबल फॉर्म्स बेडलैंड नोन एज रिवाइंस इन दिस रीजन, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी है स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। पहला जो है चंबल रिवर जो है ओरिजिनेट करती है मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश में, तो बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू से निकलते हैं जनापाव हिल्स। अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखेंगे जनापाव हिल्स से ओरिजिन होता है किसका, चंबल रिवर का, चंबल रिवर का ओरिजिन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट है चंबल फॉर्म्स बेडलैंड नोन एज रिवाइंस इन दिस रीजन, तो चंबल बेडलैंड का फॉर्मेशन करती है जिनको रिवाइंस कहा जाता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नाइदर वन और नॉर टू। चंबल राइजेस नियर महू इन द मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश, और ये फ्लो करती है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में थ्रू अ गॉर्जेस अपवर्ड्स ऑफ द कोटा इन राजस्थान, वेयर द गांधी सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कोटा। तो आप ध्यान में रखेंगे एक और चीज कि गांधी सागर जो डैम है वो कौन से रिवर पे है, चंबल रिवर पे है, और कहाँ पर है, राजस्थान के कोटा में, ठीक है, राजस्थान के कोटा में है आपका चंबल रिवर पे डैम जिसको हम बोलते हैं गांधी सागर डैम, और तो सवाई माधोपुर से होते हुए धौलपुर और फाइनली ज्वाइन कर लेती है कहाँ, किसको, यमुना को। चंबल इज अ फेमस फॉर बेडलैंड टोपोग्राफी, तो चंबल किस लिए फेमस है, तो वो बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, और इसको हम चंबल रिवाइंस भी कहते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द घाघरा रिवर सिस्टम, तो इनमें से कौन सा रिवर सिस्टम जो है घाघरा रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग सही है, तो घाघरा रिवर ओरिजिनेट इन द बंदरपुच ग्लेशियर्स, इट मीट्स द गंगा नियर द सोनपुर इन बिहार, तिला सेती बेरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द घाघरा ऑल ऑफ द एबव, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला अगर देखें तो पहला रिवर बिल्कुल गलत है, अभी हमने जस्ट देखा कि घाघरा रिवर का नहीं ओरिजिन होता है बंदरपुच से, वहाँ से ओरिजिन होता है आपका यमुना रिवर का, ठीक है, तो यहाँ पे आपका गलत है। घाघरा रिवर जो है ओरिजिन होते मैपचा चुंगो ग्लेशियर से, तो कहाँ से ओरिजिन होते हैं, मैपचा चुंगो ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, ना कि बंदरपुच ग्लेशियर से, बंदरपुच ग्लेशियर से ओरिजिन होता है किसका, यमुना रिवर का। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है इट मीट्स द गंगा रिवर नियर सोनपुर इन बिहार, नहीं सोनपुर में नहीं छपरा, छपरा में
ये मीट करती है किससे? गंगा रिवर से। तो घाघरा जो है वो मीट करती है गंगा से छपरा में, ठीक है। और ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ध्यान रखिएगा। तीला, सेती, बेरी आदि ट्रिब्यूटरीज ऑफ द घाघरा। बिल्कुल सही बात है कि तीला, सेती, बेरी ये जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? घाघरा की। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। द रिवर शारदा और काली जो है वो ज्वाइन करते हैं प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट्स द गंगा एट द छपरा। तीला, सेती, बेरी जो है वो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। आफ्टर कलेक्टिंग रिवर्स फ्रॉम दिस ट्रिब्यूटरीज इट कम्स आउट ऑफ द माउंटेन कटिंग अ डीप गॉर्जेस एट शिशापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एसोसिएशन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड हमें चूज करना है। द गंगा रिवर इज द हाईली पॉल्यूटेड रिवर। द होलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। दोनों रीजन करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। एसर्शन जो है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है। एसर्शन फॉल्स है बट रीजन जो है वो ट्रू है। मैं बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हम देखते हैं कि गंगा जो वो हाईली पोल्यूटेड रिवर है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए बहुत सारे जो है वो मिशन चलाए जा रहे हैं गंगा ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे नेशनल मिशन कमीशन ऑफ गंगा, नेशनल गंगा कौंसिल, यह सब जो है इम्पोर्टेंट मिशन चलाए जा रहे हैं गंगा रिवर को सफाई करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखिए तो द होलियर द रिवर द मोर पोल्यूट। नहीं, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जो रिवर जितनी होलियर होगी वो उतनी ही पॉल्यूटेड होगी। हाँ, भले आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया में गंगा जो रिवर है होलियर है तो बहुत सारे लोग उसमें बातिंग, मास बातिंग होती है, फिर हम बहुत सारे मास बातिंग एक रीज़न हो सकता है इसको पॉल्यूट करने के लिए, लेकिन सिर्फ मास बातिंग ही रीज़न नहीं है क्योंकि बहुत सारे हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डायरेक्टली उसमें डिस्चार्ज कर देते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो रिवर है वो पॉल्यूट हो गई है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। गंगा इज अ हाईली पॉल्यूटेड रिवर बट इट इज पॉल्यूटेड बिकॉज हायर ऑर्गेनिक लोड ऑफ कार्ब अर्बन एरियाज इज डंप्ड इन द गंगा विच इज अ रूट कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन द गंगा। 24th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 24th नंबर क्वेश्चन इज द बराकर रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बराकर रिवर जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी किसके, कौन से रिवर की है, यह हमें बताना है। महानंदा, सोन, यमुना और दामोदर। तो दामोदर रिवर की इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी बराकर रिवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो बराकर रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, दामोदर की। और दामोदर रिवर जो है वो ईस्टर्न मार्जिन में ऑक्यूपाई, ईस्टर्न मार्जिन जो इंडिया का रीजन है वहां पर ऑक्यूपाई करती है और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। वेयर इट फ्लोस थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड फाइनली जॉइन द हुगली। तो ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि एक तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, एक तो ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, तो इंडिया में और कौन से जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। तो दो इम्पोर्टेंट रिवर का नाम आता है सोन एंड सॉरी तापी, तापी एंड नर्मदा रिवर का नाम आता है रिफ्ट वैली के रूप में, ठीक है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जबकि दामोदर रिवर जो है वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। दामोदर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और वो ज्वाइन करते, वो कहाँ से निकलती है, एक तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है जो ईस्टर्न मार्जिन पर आप तो को देखने को मिलेगा। सेकेंड, ये आपके फ्लो करती है, ज्वाइन करती है हुगली। हुगली कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ये ज्वाइन करती है किसको, गंगा रिवर को, ठीक है। हुगली में मतलब ये फाइनली ज्वाइन करती है किसको, हुगली को। हुगली किसको बोलते हैं, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको पहले दामोदर जो रिवर है उसको पहले सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन इस अब ये हेल्प करता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में। यह दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है वो एक मल्टीपर्पज क्या है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसके ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। द सातर रिवर ओरिजिनेट्स इन नेपाल इन द मिलाम ग्लेशियर।
सेकेंड है सरयू रिवर इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बंगाल एंड थर्ड इज सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो शारदा रिवर है जिसको सरयू रिवर भी कहते हैं वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, मिलाम ग्लेशियर से। तो मिलाम ग्लेशियर से किसका ओरिजिन होता है, शारदा रिवर का ओरिजिन होता है। तो ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सरयू रिवर को सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। नहीं, अभी हमने हमें जस्ट देखा कि सोरो ऑफ बंगाल कभी कहा जाता था किसको, दामोदर को। लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो अब सोरो ऑफ बंगाल नहीं रहा और काफ़ी हेल्पफुल रहा है बंगाल की इकोनॉमी को प्रमोट करने में। थर्ड स्टेटमेंट है सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू। बिल्कुल सही बात है कि सोन रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट करती है, अमरकंटक प्लेटू से। एक और रिवर ओरिजिनेट करती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा रिवर। नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सोन जो है वो ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट ऑफ द अमरकंटक से निकलती है और ये ज्वाइन करती है किसको, ज्वाइन करती है गंगा को। ठीक है, ये गंगा की राइट बैंक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है, सरयू रिवर को सोरो ऑफ बंगाल नहीं कहा जाता है। वन और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। सरयू रिवर ओरिजिनेट शारदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मिलाम ग्लेशियर नेपाल हिमालय से, जहाँ पे इसको गोरी गंगा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे सरयू रिवर को ही गोरी गंगा भी कहते हैं। अलोंग द इंडिया नेपाल बॉर्डर इट इज ऑल्सो नोन एज काली और चौक, जो जहाँ पे ये ज्वाइन करती है किसको, घाघरा रिवर को। द सोन रिवर इज अ लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। तो लार्ज साउथ बैंक जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन है, वो सोन रिवर है और ये ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लेट्यू से आफ्टर फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ वाटर फॉल्स। इट रीचेस आरा वेस्ट ऑफ पटना टू ज्वाइन द गंगा। तो ये आरा में ज्वाइन करती है किसको, गंगा को, और ये आरा आपको कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पटना के नजदीक देखने को मिलता है। दामोदर रिवर को बोलते हैं सोरो बंगाल, ना के सरयू रिवर को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।